हाय फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में सिल कोटेशन बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। देखते हैं कि माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में सिल कोटेशन बनाना कितना आसान है। देखिए, कई बार दोस्तों क्या होता है, जब लगन का सीजन आता है, शादी ब्याह का सीजन आ जाता है, तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत से लोग आते हैं कि जिनको ज्वेलरी बनवानी होती है वो पहले से कोटेशन लेते हैं, सर मुझे ये बनवाना है, इसका क्या कोटेशन आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा। तो उस समय आप क्या करते हो, एक सिल कोटेशन बनाते हो। एग्जांपल के तौर पे आज सपोज दैट यहाँ पे 3 से 4 ज्वेलरी सेट के मैं कोटेशन बना के आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको हम बना के देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखेगा सबसे नीचे, वहां पर ऑप्शन आप देखेंगे कि सिल कोटेशन शॉर्टकट की है, या फिर आप सिल कोटेशन पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे जिसको आप कोटेशन बना के देना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कस्टमर की आईडी, यहाँ पे आप क्लिक करिए। अगर आप वो नया कस्टमर है, अभी आया है, वो पहली बार आपके शॉप पे, तो आप एड कस्टमर पे क्लिक करिए, उनका नाम डाल दीजिए। जैसे उनका नाम है विजय कुमार, मैंने यहाँ उनका नाम डाला विजय कुमार। उनका एड्रेस क्या है, सपोज दैट उन्होंने बोला कि भाई मैं वाराणसी का हूँ, आप हम डाल दिए वाराणसी। फिर उन्होंने बोला भाई हमारी सिटी भी वाराणसी ही है, तो आप इनका सिटी भी वाराणसी ही डाल दीजिए। और यहाँ पे इनका स्टेट ले लीजिए, स्टेट जैसे इनका है उत्तर प्रदेश, मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ। उनका कॉन्टेक्ट नंबर डालिए, कॉन्टेक्ट नंबर मैंडेटरी है, जैसे यहाँ पे डाल दिया 9562351 02, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनकी ईमेल आईडी, अगर आप डालना चाहते हैं, पैन डिटेल्स ये सब डालिए, नहीं डालना चाहते तो आप इसको मैंडेटरी नहीं स्किप भी कर सकते हैं, एज यू विश। फिर यहाँ पे आप सिंपली सेव पे क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि विजय कुमार हमारे कस्टमर जो है इसमें ऐड हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में यहाँ पे देखिए आपको 10 नंबर पे विजय कुमार दिख रहे हैं, आप यहाँ पे इनके नाम से भी सर्च कर सकते हो, विजय कुमार देख रहे हैं। जैसे आप इंटर करेंगे विजय लिख के, विजय कुमार आ जाएंगे, सिटी वाइज और कॉन्टेक्ट नंबर वाइज इनको सर्च कर सकते हैं लिस्ट में से। यहाँ पे देखिए जिसका हम सेल कोटेशन बनाने वाले हैं, जिनके लिए उनका नाम आ गया, कस्टमर का नेम हो गया। अब कौन से प्रोडक्ट का आप सेल कोटेशन बनाना चाहते हो, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट मैंने जैसे डाल दिया, यहाँ पे मैंने झुमकी डाला, इंटर गया, झुमकी आ गया। जैसे झुमकी जो है इनका कहना है कि इनको जो बनवाना है 10 ग्राम का, तो यहाँ पे आप इसका 10 ग्राम डाल दीजिए, ठीक है। और चार्ज पर यूनिट उस समय डाल दीजिए, जो यूनिट का चार्ज उसमें आपका चल रहा है, जैसे जिसमें आप इनको कोटेशन दे रहे हो उसमें जो रेट चल रहा है वो सपोज दैट 6000 रुपए यहाँ पे पर ग्राम का चल रहा है, तो यहाँ पे 6000 आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एड टू कार्ट कर लेना, एक प्रोडक्ट हो गया। इसी प्रकार इनका कोई दूसरा प्रोडक्ट जैसे है, मैंने यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट डाला, जैसे यहाँ पे पायल है, मैंने पायल डाल दिया। अब पायल की क्वांटिटी जैसे सपोज दैट 20 ग्राम का बनवा रहे हैं, और इसका जो पर ग्राम रेट है वो सपोज दैट यहाँ पे 600 रुपए है, और सपोज दैट 60 रुपए है, और आप यहाँ पे एड टू कार्ट जो भी रेट होगा आप डाल दीजिए। इसी प्रकार इनका तीसरा प्रोडक्ट, जैसे मैं एक और प्रोडक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक और प्रोडक्ट लिस्ट क्लिक कर लेता हूँ, जैसे सोल प्रोडक्ट कर लेता हूँ, तो कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास दिख जाएगा, उसी में से हम और भी प्रोडक्ट ले लेंगे। जैसे रिंग, हमने रिंग यहाँ पे ले लिया, और रिंग भी जैसे इनका 5 ग्राम का है, और इसका भी जो रेट चल रहा है आप वहाँ पे डाल दीजिए पर यूनिट का, और यहाँ पे टू कार्ट कर लीजिए। जैसे 3 प्रोडक्ट का यहाँ पे देखिए इनका रिक्वायरमेंट है, मैंने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट का डाला। यहाँ देखिए टोटल आ गया, आपको दिख रहा है कि 91,200 रुपए, और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सेव कर लेना है, इसको सेव करना है, और जैसे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा आपको बस यहाँ पे इसको प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सेल कोटेशन आपका बन जाएगा कि विजय कुमार के लिए मैं, जो कि वाराणसी से, सिटी वाराणसी, इनका एक कॉन्टेक्ट नंबर है, और यहाँ पे मैं इनके लिए झुमकी, पायल और रिंग का टोटल कोटेशन दे रहा हूँ, जो कि कितने का हो रहा है टोटल, यहाँ पे देखिए 91,200 रुपए का टोटल इनका कोटेशन हो रहा है। इस प्रकार आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सेल कोटेशन माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर के ज्वेलरी सॉफ्टवेयर वाले सेगमेंट में बना सकते हैं, और बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं ज्वेलरी सॉफ्टवेयर के साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अब भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन मन में उठ रहा है, या तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप नीचे स्क्रीन जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप वहां से व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ऐसे ही आपके बिजनेस के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।